वेरी गुड इवनिंग गाइज, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइज हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ले रहे हैं। तो गाइज हमने कर लिया था बाल विकास के सिद्धांत और आज हम लेने जा रहे हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो गाइज देखिए, आपको थोड़ा बता दूँ, यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वंशानुक्रम से। तो इस बात को देखते हुए हम कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इन्हीं प्रश्नों के बहाने चैप्टर की एक साफ छवि निकाली जाए। तो चलेंगे, शुरू करेंगे आज का पहला क्वेश्चन, जैव सांख्यिकी का नियम किसने दिया है। तो चलेंगे दोस्त, एक बार सुनेंगे, जैव सांख्यिकी का नियम किसने दिया है। तो गाइज आपको थोड़ा यहाँ पे रफ कार्य के द्वारा थोड़ा दिखाने जा रहा हूँ, देखेंगे। यह नियम दिया है मिस्टर फ्रांसिस गॉल्टन ने। किसने दिया है? फ्रांसिस गॉल्टन ने। और फ्रांसिस गॉल्टन ने दोस्त क्या कहा कि माता पिता से 1/2, दादा दादी से 1/4, परदादा परदादी से 1/8 तथा शेष पूर्वजों से एक संतान को 1/16 गुण मिलते हैं। फिर से सुनेंगे, फ्रांसिस गॉल्टन ने कहा कि एक संतान को माता पिता से 1/2, दादा दादी से 1/4, परदादा परदादी से 1/8 तथा शेष पूर्वजों से 1/16 गुण मिलते हैं। दोस्त यह है फ्रांसिस गॉल्टन का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ बायोमेट्री कहते हैं, इसका इंग्लिश नेम है। इसलिए सही उत्तर क्या है? फ्रांसिस गॉल्टन। दूसरा क्या है? वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ सकता है, तो जैसा आपने देखा ही है, इसका उत्तर है उपरोक्त सभी पर। तो देखिए गाइज, वंशानुक्रम थोड़ा आपको यहाँ आप कॉपी पे लिख लेना, बस इतना ही जरूरी है। मानव विकास की चार सबसे मजबूत चीजें, बुद्धि, ग्रहण शक्ति, समस्या समाधान एवं तर्क शक्ति। सोचिए, एक आदमी को विकास के लिए और क्या चाहिए? फिर से सुनिए, बुद्धि, ग्रहण शक्ति, तर्क शक्ति, समस्या समाधान, ये चारों के चारों जन्मजात होते हैं। अर्थात बुद्धि पे भी पड़ता है, चरित्र पे भी पड़ता है और ग्रहण शक्ति पे भी पड़ता है। इसलिए उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। अर्जित गुणों के वितरण का नियम किसने दिया है? तो एक बार सुनेंगे, अर्जित गुणों के वितरण का नियम क्या है? जिराफ जानवर का अध्ययन करके मिस्टर लैमार्क ने यह निष्कर्ष निकाला क्या कि मैं दावे से कह सकता हूं कि जिराफ की गर्दन बाद में जितनी ऊंची हुई, शुरू में इतनी ऊंची नहीं थी। अर्थात मेरे दोस्त क्या हुआ, भोजन की टहनी की तलाश में जब जिराफ ने अपनी गर्दन ऊंची उठाई तो उसके यहां गर्दन पे दर्द हुआ और गर्दन पे दर्द होने से गर्दन के पित्रे को जीन्स में थोड़ा परिवर्तन आया। वह बदला हुआ जीन्स जिराफ की हर पीढ़ी को मिलता चला गया। अर्थात यह गर्दन उठाने का मैसेज भी हर पीढ़ी को मिलता चला गया। अर्थात माता पिता के गुण बिल्कुल बच्चे को मिलते हैं, पर उसमें एक शर्त है कि वही गुण मिलेंगे जो कि कहाँ पे हैं, माता पिता के जीन्स में। आपने बायोलॉजी में हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा, वंशानुक्रम के वाहक जीन्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा, पितरैक ही वंशानुक्रम को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाते हैं। अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? लैमार्क। ऑप्शन 4, संतान को माता पिता, संतान माता पिता के गुणों के विपरीत भी हो सकती है। तब एक बार ये देखेंगे गाइज, मैं इसकी फुल व्याख्या देने जा रहा हूँ। यह नियम दिया है क्या? समानता का नियम, असमानता का नियम, संयोग का नियम और प्रत्यागमन का नियम। तो चलिए आपको एक बार दिखा देंगे, इसका उत्तर है प्रत्यागमन का नियम और इसको दिया है महान ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो एक बार इसके नियम को देखेंगे, उन्होंने सफेद सफेद चूहे एक साथ रखे, इससे जो चूहा पैदा हुआ वह भी सफेद था। अर्थात यह काहे का नियम है? समानता का नियम। अर्थात समान समान को जन्म देता है, पहला। दूसरा, इस बार उन्होंने सफेद चूहे और ब्लैक चूहे को रखा, तो इससे भी जो चूहा पैदा हुआ वो मात्र क्या हुआ? ब्लैक हुआ। उनको लगा शायद चितकबरा होगा, चितकबरा समझते ना, आधा व्हाइट आधा ब्लैक, पर ऐसा नहीं हुआ दोस्त, चूहा पूरी तरह से काला पैदा हुआ। तो उन्होंने कहा कि माता पिता में से किसी एक का ही गुड़ मिला, इसलिए एक का गुड़ खत्म हो जाने के कारण इसका उन्होंने नाम क्या दिया? असमानता का नियम। अब तीसरी पीढ़ी, यह है उनका रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 देखेंगे, अब आप समझ ही सकते हो, मेंडल को ऐसा लगा कि अब सफ़ेद चूहा कभी भी पैदा नहीं होगा अगर हम सफ़ेद और काला मिलाएंगे। तो तीसरी पीढ़ी में उन्होंने शुद्ध वाला सफ़ेद रखा, पर ब्लैक शुद्ध नहीं रखा, बल्कि यह ब्लैक जो वर्ण संकर मतलब सफ़ेद और काले से पैदा हुआ है,
तो उन्होंने सफ़ेद और हाइब्रिड, मैंने शॉर्ट बैच वाई लिख दिया है, हाइब्रिड ब्लैक को साथ रखा तो संतानें चौंकाने वाले में तीन एक के अनुपात में पैदा हुई। अर्थात तीन चूहे कैसा पैदा हुए, ब्लैक, और एक चूहा पैदा हुआ क्या, सफ़ेद। इस चीज़ ने चौंका दिया किसको, मेंडल को। उसने कहा कि यह कैसे हो गया। फिर बाद में उन्होंने एक तीसरा नियम दिया कि कभी कभी माता पिता के विपरीत गुणों की संतान भी पैदा हो जाती है, अर्थात माता पिता बुद्धिमान भी हों तो संतान मंद बुद्धि हो सकती है। यही नियम क्या कहलाता है, प्रत्यागमन का अर्थ होता है उल्टी गंगा बहाना। तो प्रत्यागमन का नियम का अर्थ मतलब हुआ है कि बच्चा माता पिता के गुणों के विपरीत भी पैदा हो सकता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। बच्चे के विकास पर प्रभाव होता है, ऑप्शन ए वंशानुक्रम एवं वातावरण का आधा आधा, ऑप्शन बी केवल वंशानुक्रम का, ऑप्शन सी केवल वातावरण का, और ऑप्शन सी है केवल वंशानुक्रम का, ऑप्शन डी केवल वातावरण का, और ऑप्शन बी भूल गया दोनों का समेकित। तो गाइस पहले ही बता चुका हूँ, कल मैंने आपको प्रैक्टिस में बताया था, वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव इतना मिला जुला है कि न तो परसेंट निर्धारित कर सकते हैं, न तो अलग अलग बता सकते हैं कि यह पूर्णतः वंशानुक्रम का है या पूर्णतः वातावरण का है। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, दोनों का समेकित। अगला, निम्नलिखित में से वंशानुक्रम का प्रभाव किस पे पड़ेगा। तो गाइज है ऑप्शन ए आँखों का रंग, ऑप्शन बी आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, उपर्युक्त सभी। तो अगर आप देख भी सकते हो गाइज, तो आपको खुद पता चलेगा कि वंशानुक्रम का सामाजिक स्तर से कोई लेना देना, एक आदमी गरीब हो सकता है, प्रतिष्ठित हो सकता है, इसलिए ये दोनों हमारे उत्तर नहीं है। इसलिए उपर्युक्त सभी तो चांस ही नहीं होता, इसलिए उत्तर क्या होगा, आपने पढ़ा होगा जो आंखों का रंग होता है, पुतली का रंग होता है, या कहीं ना कहीं देन होता है किसका, वंशानुक्रम का। अब चलेंगे, बच्चे का लिंग पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता, यह काहे का नियम है, प्लीज इसको लिखिएगा। प्रत्यागमन का नियम आपको पहले ही बता दिया है कि कभी कभी संतान माता पिता से विपरीत गुणों की हो जाती है, अर्थात यह हमारा उत्तर अब नहीं होगा। अब क्या होगा, जैव सांख्यिकी का नियम भी आपको बता चुका हूँ, 1/2, 1/4, यह भी हमारा उत्तर नहीं। इसलिए हमारा उत्तर क्या है, संयोग का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लीजिएगा। क्या यह पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता कि किसी दंपति को बच्चा पैदा हो गया या बच्ची, यह एक्स एक्स और एक्स वाई के कॉम्बिनेशन पे, आप जानते हैं साइंस, क्रोमोसोम्स के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। इसलिए यह संयोग, मतलब पहले से हम नहीं बता सकते क्या होगा, इसलिए यह निर्भर करता है एक्स एक्स और एक्स वाई के संयोग पे, कॉम्बिनेशन पे। इसलिए विज्ञान में एक नियम आता है काहे का, संयोग का नियम। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। दो बच्चों को अलग अलग आर्थिक स्थिति में पालने पर उनकी बुद्धि लब्धांक पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो चलते हैं देखते हैं। मतलब एक बच्चा अमीर घराने में पैदा हुआ, एक को गरीब घराने में पाला गया, दोनों को अलग अलग परिस्थितियों में पाला गया, तो निम्नलिखित में से उनकी आईक्यू पे कौन सा प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन बी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन सी बुद्धि पर आर्थिक विकास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और गाइज इसमें डी नहीं है और हमको डी अब लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका उत्तर है सी। आप खुद भी अगर आप देहाती तरीके से सोचोगे तो भी मेरे दोस्त आप जान जाओगे क्या कि गरीब अमीर का बुद्धि से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सी। अगला, बच्चों के विकास के संदर्भ में प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है। गाइज यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कई बच्चे आज तक जानते नहीं कि प्रकृति और पोषण क्या है, तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, कहते नहीं यार कि आदमी बहुत बदतमीज है, इसको सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि यह इसकी नेचर है, इसकी प्रकृति है, तो आप समझ ही गए होंगे। और पोषण क्या होता है, पोषण वातावरण से आता है, पोषण पैदा होने के पहले, पैदा होने के बाद होता है पोषण को, पोषण की बात। इसलिए प्रकृति का अर्थ है वंशानुक्रम और पोषण का अर्थ है क्या, वातावरण। यह बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप याद कर लीजिए, प्रकृति का अर्थ है वंशानुक्रम और पोषण का अर्थ क्या है, वातावरण। अगला, जन्मजात गुणों का समूह है, तो आप समझ ही सकते हैं गाइस, एक बच्चे की जन्मजात क्षमताओं का योग उसका क्या कहलाएगा, वंशानुक्रम कहलाएगा। भाई आंखों का रंग, क्षमता, बुद्धि, तर्क शक्ति पहले ही बता चुका हूँ, यह क्या कहलाता है, वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है। अगला, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, तो सामान्य महिला में, तो आपको मालूम है गाइज पुरुष के पास एक्स 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 वाई होते हैं, जबकि महिला के पास आपने भी पढ़ा है क्या होता है, तो इसका उत्तर होना चाहिए थोड़ा सा, आई मीन इसका उत्तर डबल एक्स, डबल एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इसका उत्तर
ये होगा एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, लेट्स कॉल इट एक्स एक्स, थोड़ा साफ बना देता हूँ, एक्स एक्स। तो गाइज 12वां लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरे चैप्टर का एक क्या सारांश क्या कि व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम का, ऑप्शन बी वातावरण का, ऑप्शन सी दोनों का और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्त कि विकास न तो पूरी तरह से वंशानुक्रम का देन होता है न पूरी तरह से वातावरण का, यह निर्भर करता है किस पे, दोनों की मिली जुली अन्योन्य क्रिया पे अंतःक्रिया पे, इसलिए यह उत्तर होगा दोनों का। और गाइज प्लीज़ अपना फीडबैक दूँ, अगर आपकी फीडबैक बहुत मायने रखता है प्लीज़ गरीब लोगों को शेयर करिए वीडियोज़ को, प्लीज़ जू मस्ट शेयर, प्लीज़ शेयर करिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो फी नहीं पे कर सकते, प्लीज़ शेयर दें हाँ। और ऑनलाइन क्लास के लिए आप इन नंबरों पर ट्राई कर सकते हो 9931009 7, यह नंबर है 8299310097, तो इन नंबरों पर आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कॉल कर सकते हैं। तो बाकी प्लीज़ अपना फीडबैक भेजते रहिए, आपका फीडबैक ही बूस्टर होता है, पैसा नहीं गाइज आपको, पर जब अभी प्रेरणा पढ़ाऊंगा तो आपको ये बात पता चलेगी। तो टिल देन आई आर पी मिश्रा से गुड बाय टू यू गाइज, थैंक यू।